क्या होगा अगर आपको एक वीरान से आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया जाए और आपको कुछ पता ना हो कि अब आगे क्या करना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उसी आइलैंड पर 100 डेज सरवाइव करने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर 700 सब्सक्राइबर, हमारे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अब 1K करना है। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता दूं कि ये मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेल रहा हूँ, वो भी मोबाइल पे। और इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा यार, बहुत मेहनत लगी है, पूरी एडिटिंग और रिकॉर्डिंग सब मोबाइल से की है। तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना यार। डे वन में हमने एज यूजल अपना जो एक आइलैंड पे ट्री था हमने उसको कलेक्ट कर लिया, पूरा काट लिया। डे टू में हमने कुछ सीड्स इकट्ठा करने के लिए सोचे, जो यहाँ ग्रास लगे थे मैंने उससे कुछ सीड्स निकाले, लेकिन हमें ओनली एक सीड मिला था जिसे हमें पूरे वर्ल्ड की अभी प्रोग्रेस करनी थी। और मैंने कुछ पेड़ की जो सैपलिंग्स गिर गई थी उन्हें भी उठा लिया था। और मेरे आइलैंड पे 3 शुगर केन थे जो हमें आगे बहुत काम आने वाले थे। और यहाँ रात होने वाली थी और ना ही मेरे पास बेड था, इसलिए मैंने अपना बड़ा वाला दिमाग लगाया और नीचे मैंने होल करके उसमें ही अपनी रात गुजार ली, क्योंकि अपने पास कोई बेड नहीं था और मैं इतना डरा हुआ था। अरे बाबा! डे 3 में मैंने वही सैपलिंग्स इकट्ठा की और मैंने उसे दोबारा प्लांट कर दिया, क्योंकि हमें और भी लकड़ियाँ चाहिए थी इसलिए मैंने उन्हें दोबारा प्लांट कर दिया। मेरे आइलैंड पे कुछ शुगर केन थे तो मैंने उन्हें भी दोबारा प्लांट कर दिया, क्योंकि हमें ये बहुत ही आगे चल के काम आने वाले थे विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए। स्टार्टिंग में मैं चला गया था स्टोन माइन करने, क्योंकि अपने पास सभी स्टोन के टूल्स बनाने थे मुझे, इसलिए मैंने वहीं डिग किया और मुझे स्टोन्स मिल गए थे। मैंने बहुत सारे स्टोन माइन कर लिए थे, आप देखो माइन। लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं तो भूल जाओगे यार। लाइक कर दो अभी, अभी लाइक करो। 5 सेकंड के अंदर मैं गिन रहा, 5 4 3 2 1। लाइक किया है ना? और मुझे इस वर्ल्ड के पहले आयरन दिख चुके थे, लेकिन अभी मेरे पास स्टोन के पिकैक्स नहीं थी, इसलिए मैं पहले ऊपर जाके स्टोन के टूल्स बना के आता हूँ। मिलते हैं 2 मिनट में। एस्ट 6 में हमें एक एप्पल दिखा था, कुछ खाने के लिए जुगाड़ हो गया था, जो हमें प्यारे से ट्री ने हमें एक एप्पल दे दिया था। और फिर मैंने स्टोन के सारे टूल्स बना लिए, बना ली थी क्योंकि खाना पकाने के लिए फर्नेस चाहिए पड़ती। और मैं कोल भी ले आया था माइन करके, तो मैं यहाँ फर्नेस लगा देता हूँ। डे 7 के स्टार्टिंग में हमारा एक पेड़ उग चुका था जिसे मैंने बहुत ही प्यार से काट लिया, क्योंकि हमें और भी लकड़ियाँ चाहिए थी जिससे हम घर बना सकते थे। तो मैंने इस पेड़ को पूरा काट लिया और फिर मैंने जो मेरे पास एक सीड थी मैंने उसको प्लांट कर दिया, क्योंकि हमें खाने का जुगाड़ करना था और अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे प्लांट कर दिया। मैं फिर आयरन माइन करने चला गया था, क्योंकि मेरे पास अब स्टोन के टूल्स आ चुके थे। एंड मैं नीचे गया और मैंने हक दिया। मैंने सारे टूल्स स्टोन के बना लिए थे, लेकिन मैंने पिकैक्स नहीं बनाई।
मैंने जितने भी आयरन माइंड कर लिए थे, और फिर मैं सोचा कि मेरे को इसके लिए कोल भी चाहिए होगा, फिर मैं नीचे जाके कोल भी मैंने माइंड कर लिया। माइंड में मैंने जो आयरन लाया था उसको मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। पर मेरे आइलैंड के सामने एक ओशियन मॉन्यूमेंट था जहाँ मैं आसपास भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो गार्डियंस मेरे को इफेक्ट दे देते हैं, लेकिन मेरे को अभी नाम नहीं पता उस इफेक्ट का, और मेरे पास अभी आर्मर के नाम पे कुछ नहीं था, आयरन आर्मर भी नहीं था। फिर मैंने अपने घर को बनाना स्टार्ट कर दिया था, उसका मैंने स्ट्रक्चर बना लिया था, तो इसलिए मेरे को बहुत ही टाइम लगने वाला था घर बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। यहाँ मेरा एक बीट उग चुका था जिसे मैं अभी तोड़ लेता हूँ, और मेरा घर भी बन चुका था जिसमें से मेरे को बहुत टाइम लग गया था। मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था ये घर, ज़्यादा अच्छा नहीं था बट मोबाइल से खेलने में बहुत टाइम लग गया था, ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। Day 22 में मैंने अपना जो ट्री के लिए एक जगह बनानी थी मेरे को, तो मैं वो बनाने लग गया। फिर मैंने आयरन जो मेरे को मिले थे मैंने उसे शील्ड और पिकेक्स और स्वॉर्ड बना ली थी, और मैंने अपने कुछ मुर्गियों के लिए एक जगह भी बना ली थी जहाँ मैं उन्हें ब्रीड करवा सकता था। फिर मैंने उनको खाना खिलाया, फिर मैं उनको बाद में खुद खा जाऊँगा। हिसाब बराबर रहता है यार अपना। मैं मेरे को कुछ बदतमीज़ लोग दिखे, वो बेचारा किसी की यादों में खोया हुआ था। फिर मैंने भी सोच लिया मैं इसे मुक्ति दे ही देता हूँ, फिर मैंने इसको मुक्ति दे दी। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है यार, एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने फ़ोन से बनाया है, एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब फ़ोन से किया है, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, मैं फ़ोन से माइक से ही रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी नहीं आएगी मालूम है।